तो दोस्तों इंडिया वर्सेज श्रीलंका के बीच फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा 4 जनवरी को 2020 में इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ये मैच खेला जाएगा शाम को 7 बजे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में और साथ ही करेंगे यहाँ पे हम मैच प्रेडिक्शन की कौन सी टीम दोस्तों ये मैच जीत सकती है। तो दोस्तों ये सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और इस चैनल पे पहली बार आए वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे आप यहाँ पिच रिपोर्ट की। तो दोस्तों ये मैच खेला जाएगा बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में, जो कि बहुत बेहतरीन स्टेडियम है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे मात्र एक मैच खेला गया है। दोस्तों इस राउंड पे इतना ज्यादा स्कोर देखने को नहीं मिलेगा, एवरेज स्कोर हो सकता है 170 या फिर 160 के आसपास। दोस्तों यहाँ पे स्पिन गेंदबाज और तेज गेंदबाज को थोड़ी बहुत मदद मिलेगी और यहाँ पे ड्यू फैक्टर भी हो सकता है, तो जो भी टीम यहाँ पे टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करने का फैसला लेगी क्योंकि चेस करना यहाँ पे आसान रहता है। तो दोस्तों ये तो यहाँ पे पिच रिपोर्ट की बात, अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों की हम प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे इंडियन टीम की प्लेइंग 11 की। तो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे शिखर धवन, उनके साथ होंगे लोकेश राहुल, 3 नंबर पे बैटिंग करने आएंगे विराट कोहली, कैप्टन होंगे इस टीम के। दोस्तों वहीं पे बात की जाए 4 नंबर की तो वहाँ पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगे ऋषभ पंत, की बात की जाए तो विकेट कीपर बैट्समैन है दोस्तों। 5 नंबर पे बैटिंग करने आएंगे सुरेश अय्यर, 6 नंबर पे आएंगे ऑलराउंडर शिवम दुबे, इनकी बात की जाए तो बैटिंग बॉलिंग दोनों करना जानते हैं। दोस्तों वहीं पे 7 नंबर पे मौका मिल सकता है वॉशिंगटन सुंदर को, 8 नंबर पे आएंगे जसप्रीत बुमराह, इनकी बात की जाए तो 3-4 महीने बाद ये वापसी करते हुए नजर आएंगे इस सीरीज में। दोस्तों वहीं पे 9 नंबर पे आएंगे कुलदीप यादव, इनकी बात की जाए तो स्पिन बॉलिंग कराते हैं और पिछली सीरीज में इन्होंने हैट्रिक ली थी और काफी बढ़िया इनका परफॉर्मेंस रहा था। दोस्तों 10 नंबर पे होंगे दीपक चहर, इनकी बात की जाए तो तेज गेंदबाजी कराते हैं और पावर प्ले के शुरू में बॉलिंग कराते हैं। वहीं पे बात की जाए 11 नंबर की तो वहां पे मौका मिलेगा मोहम्मद समी को, इनकी बात की जाए तो काफी बढ़िया इनका प्रदर्शन रहा था 2019 में, तो एक बार फिर से 2020 में वैसे ही प्रदर्शन दोहराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये तो हुई इंडियन टीम की प्लेइंग 11 की बात, अब बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि श्रीलंका की प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों लाखों लोग ड्रीम 11 पे खेलते हैं मगर जीत नहीं पाते हैं, पर अगर ऐसा कुछ किया जाए जहां पे आप लोग ड्रीम 11 एक्सपर्ट्स की टीम जान पाए तो दोस्तों पेस है unlock11.com। तो दोस्तों यहाँ पर हर मैच की एक नहीं बल्कि 5 ड्रीम 11 एक्सपर्ट्स की टीम की प्रेडिक्शन मिलती है, जिसे देखकर आप सारे फैंटेसी प्लेटफॉर्म जैसे कि ड्रीम 11, MyFab 11 पर ऐसी ही टीम बना सकते हैं जो आपको लाखों रुपए जिताएंगे। तो दोस्तों सोचना क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, अभी जाए अनलॉक 11 पे और साइन अप कीजिए और जीतने की आदत डाल लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। तो दोस्तों श्रीलंका की टीम की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे कुशल परेरा, उनके साथ होंगे कुशल मैंडिस, 3 नंबर पे बैटिंग करने आएंगे निरोसंडी के बैला, वहीं पे 4 नंबर पे बैटिंग करने उतर सकते हैं विस्का फर्नैंडो, 5 नंबर पे आएंगे दनु सक्का, गुना थिलिका, इनकी बात की जाए तो ऑलराउंडर प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करना जानते हैं। वहीं पे 6 नंबर पे बैटिंग करने आएंगे भानुका राजपक्सा, इनकी बात की जाए तो बैटिंग ये काफी जबरदस्त करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ काफी बढ़िया इन्होंने बैटिंग करी थी। दोस्तों वहीं पे 7 नंबर पे बैटिंग करने आएंगे ओसाडा फर्नैंडो, काफी बढ़िया बैटिंग ये करते हैं, 8 नंबर पे आएंगे इसरू अडाना, इनकी बात की जाए तो ऑलराउंडर प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करना जानते हैं और 2019 इनका काफी जबरदस्त गया था। दोस्तों वहीं पे 9 नंबर के प्लेयर होने वाले यहाँ पे कैप्टन लसिथ मलिंगा, इनकी बात की जाए तो काफी बढ़िया ये बॉलिंग कराते हैं और कप्तानी करते हुए नजर आएंगे इस सीरीज में। दोस्तों 10 नंबर पे मौका मिलेगा नुवान प्रदीप को, इनकी बात की जाए तो काफी बढ़िया ये बॉलिंग कराते हैं, और 11वें नंबर के प्लेयर होने वाले हैं दसुन सन का, इनकी बात की जाए तो बैटिंग बॉलिंग दोनों करना जानते हैं, ऑलराउंडर प्लेयर है, बैटिंग में ये 6 या 7 नंबर पे बैटिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई यहाँ पे दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की बात, अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे हम दोनों टीमों की कौन सी टीम दोस्तों ये मैच जीत सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो पिछला साल इंडियन टीम का काफी लाजवाब गया था। दोस्तों वहीं पे बात की जाए दूसरी टीम यानी कि श्रीलंका की, तो इनका प्रदर्शन भी काफी लाजवाब रहा था 2019 में, पाकिस्तान को पाकिस्तान के ही घर में इन्होंने हराई थी सीरीज और 3-0 से अपने नाम करी थी वो सीरीज। तो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग 2020 में 4 जनवरी को खेली जाने वाली सीरीज का फर्स्ट मैच कौन सी टीम जीतेगी, इंडियन टीम या फिर श्रीलंका? दोस्तों आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी टीम